हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा सुबह सुबह, और मुझे आज जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए भी। तो थोड़ा सा मन में डर भी बैठा हुआ है, और डर जो था वो इस बार सच हो गया। डर पहले का जो वैक्सीन जो फर्स्ट डोज मेरा लगा था, तो वो बिल्कुल मतलब कुछ भी मुझे पता नहीं चला। हाँ, 3 4 दिन तक दर्द हुआ था। इस बार का तो ऐसा सिचुएशन हो गया, इतना मतलब मेरा बुरा हालत हो गया, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है। उससे पहले घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा का जो भी है, क्योंकि मुझे सारा काम ख़त्म करके फिर वैक्सीन के लिए भी जाना है। और यहाँ पे देखिए, मेरी बाबू मुझे फूल ला करके दे रही है, मुझे भी दे रही है और पापा को भी दे रही है। वो हमेशा मुझे ला करके देते रहती है। एक वीडियो में मैंने और भी बताया था, लेकिन पापा को कम ही दे पाती, पता नहीं क्यों नहीं देती है, लेकिन आज पापा को भी दी थी। और ये देखिए, ऑन कैमरा रोमांटिक हो रहे हैं। मैं उनको बोली कैमरा ऑन है, तब यहाँ से गए किचन से। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू का पराठा और चटनी। और आज भी मैंने साड़ी पहना है। ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। ऐसे पहले भी मैंने पहले की वीडियो में पहना था, जब सरस्वती पूजा था ना, उसी में येलो कलर की साड़ी पहनते हैं सरस्वती पूजा के दिन, तो उसमें मैंने पहना था ये साड़ी। ये साड़ी भी बहुत हल्की है, लेकिन ब्लाउज से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और किस किस ने वैक्सीन लगवा लिए हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरा सेकेंड डोज आज लगने वाला है, तो देखिएगा आप लोग मेरा हालत आज कैसा हो रहता है, क्या होता है मेरे साथ हुआ, आप लोग को आगे पता चलेगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। मैं भी पानी पिए सरक गया। मैं भी वैक्सीन के लिए जा रही हूँ, दूसरा डोज है मेरा। और मैं आज पहनी हूँ ये वाला साड़ी। तो वैक्सीन के लिए मैं अभी जा रही हूँ, हस्बैंड वहाँ पे गेट के पास वेट कर रहे हैं, बाहर यानी कि वेट कर रहे हैं। बाबू का क्लास चल रहा है, और लेकिन क्लास तो बाबू घर पे ही रहेगी, क्लास करेगी, और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो चलिए फिर आकर के आप लोगों से बात करती हूँ। नाश्ता सब हो चुका है, वैक्सीन लग गया है, मैं भी हॉस्पिटल में ही बैठी हुई हूँ। और इतना ज़्यादा दर्द है ना, इतना ज़्यादा, आधा घंटा तक ये बेचैनी दर्द रहा, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मुझे मैं बोली अब थोड़ा देर अगर और रहेगा ना, तो मुझे मेडिसिन दिलवाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा एकदम मैं जो होता है ना, तड़प रही थी दर्द से। और एकदम से क्या कहूँ मैं, मेरे हस्बैंड भी यहीं पे थे, वो बोल रहे कि ठीक है थोड़ा सा देख लियो। ये बोले ऐसा दर्द नहीं होता है। मैं बोली हाँ नहीं होता है, फर्स्ट डोज में मुझे नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड डोज में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सही तरीके से नहीं लगा इस वजह से ऐसे दर्द हो रहा था, या फिर सेकेंड डोज में लगता है इतना दर्द, मतलब होता है। अगर प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा क्या सेकेंड डोज में ऐसा दर्द होता है, क्योंकि मुझे फर्स्ट डोज में दर्द नहीं हुआ, तो इस वजह से ये बोले कि ठीक है, ये बोले कि वैक्सीन लगवाना है कल। मैं बोली ठीक है मैं चलूँगी, क्योंकि दर्द नहीं हुआ तो मैं तैयार हो गई चलने के लिए। और लेकिन जब दर्द हुआ यहाँ, तो मैं बोली क्यों मैं आ गई इतना आसानी से, क्यों मैं बोली कि ठीक है मैं चलूँगी। और यहाँ आ करके ऐसा लग रहा था लगवा करके कि नहीं लगवाती तो सही था, लेकिन लगवाना ही था, क्या करते। तो मैं आ गई हूँ वैक्सीन लगवा करके। और आज इस बार ना सेकेंड डोज में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं तो लगभग आधा घंटा तक दवा करके इसे रखी हूँ। इस बार मैंने राइट हैंड में लगवाया। मैं बोली तो पिछली बार लेफ्ट में लगा है, तो अभी भी ना इसे टच करने पे दर्द होता है मुझे। तो मैं बोली इस बार राइट में लगवाइएगा, फिर एक ही हाथ में दर्द हो इसे थोड़ा थोड़ा दोनों हाथ में बट जाए। ये मेरा देखिए छोटू है, इसका भी हेयर कटिंग हुआ था मेरे छोटू का। तो मेरे छोटू कैसा लग रहा है? वो आज छोटू मेरा खाना नहीं खाया, आप लोग बात नहीं कीजिएगा मेरे छोटू से। जल्दी से खा लो, जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लो, ठीक है? तो मैं वैक्सीन लगवा करके आई हूँ, और घर का काम रखा हुआ है, कपड़ा धुलना है, बर्तन धुलना है, बस। हम लोग सुबह का काम हुआ, नाश्ता किए, फिर मैं चली गई वैक्सीन लेने। ये बोली कि पहले वैक्सीन लगवा लीजिए, घर का काम होते रहेगा, क्योंकि फिर नहीं लगेगा, फिर लेट होगा, धूप हो जाएगी। मैं बोली ठीक है चलिए। तो मैं फिर चली गई वैक्सीन लगवाने के लिए, और अभी तो फिलहाल दर्द नहीं हो रहा है। उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे ही लगा ना इतना दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। फर्स्ट में तो बिल्कुल पता ही नहीं चला,
और इस बार बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बोली बहुत दर्द हो रहा है, ये बोले सेकेंड डोज में लगता है, देखिए इसमें फीवर आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो नहीं आया था, फर्स्ट डोज में नहीं आया था। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। आप सभी को जय गुरु। अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और अभी इससे पहले मैं अपना एक वीडियो एडिट की हूँ। कल एक्चुअली मैं कल मेरा कोई वीडियो भी नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि ना कल लाइट नहीं थी। मैं वीडियो एडिट करने लगी थी, सुबह से ही आ जा रहा था लेकिन फ़ोन तो चलो चार्ज था, तो वीडियो मैं शूट कर रही थी, उसके बाद एडिट कर रही थी मैं। एडिट करते करते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और लाइट का तो कुछ आता पता ही नहीं, तो लाइट नहीं थी तो फ़ोन मेरा चार्ज हुआ नहीं, तो ना मैंने वीडियो फिर एडिट किया ना फिर इससे आगे मैंने कोई वीडियो शूट किया। वैक्सीन लगवाने के बाद फिर आई घर, उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और बता दूँ मेरा हालत कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ रात में, और सो तो मैं जल्दी गई थी, लगभग 9:30 बजे सो गई थी मैं, और उसके बाद उठ उठ रही थी बीच में, ये बोल रहे थे क्या हो गया, मैं बोली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ऐसे लग रहा था कि फीवर है, मतलब सबके मुकाबले मेरा बॉडी थोड़ा हीट था, गर्म था मेरा बॉडी, और ये दर्द इस राइट हैंड में लगाया ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं, एक कहते हैं ना कि उठाने में ये नहीं, ऐसे दर्द हो रहा था। तो मैं बोल रही थी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये बोले ऐसा कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता, मुझे कहाँ होगा। मैं बोली सबका बॉडी एक जैसा नहीं रहता है ना, मुझे दर्द हो रहा है और सुबह से भी यही है। तो ये बोले कि अगर रोटी नहीं बन पाए, क्योंकि रोटी में ही ज़्यादा दिक्कत होता है ना, बोले अगर रोटी नहीं बन पाएगा तो पोहा बना लीजिएगा। मैं बोली देखती हूँ, अगर नहीं बनेगा तब बनाऊँगी, अगर बन जाए तो। उतना भी काम करने में ऐसा नहीं कि दिक्कत हो रहा है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर ले रही हूँ आराम आराम से। हाँ, जैसे उठा करके कुछ रखना है वजन वाला तो वो नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा बहुत उठाना है तो थोड़ा तो दर्द होगा ही, अब इंजेक्शन ही लगा है तो दर्द तो वो होगा ही, वो तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो रात में दर्द था उससे थोड़ा कम है अभी, लेकिन दर्द है अभी भी। ये है कि ध्यान बार बार इसी पे जाता है, अगर दर्द नहीं होता तो ध्यान नहीं जाता, बार बार ध्यान इसी पे जाता है, दर्द है और स्वेलिंग भी है। क्या है ना कि राइट हैंड से हम लोग काम ज़्यादा करते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं गलती की हूँ राइट हैंड में लगा करके, लेफ्ट हैंड में ही लगवाती तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि बार बार किसी काम के लिए यही हाथ आगे बढ़ता है, ये तो बढ़ता ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यार मैंने गलत कर दिया वहाँ पे लगवाने के। मैं जिन मतलब जो लगाए वो मैं उनसे पूछी कि पहले इसमें लगाई थी लेफ्ट में तो अभी राइट में लगवा लूँ, वो बोले हाँ, वो मना करते ना, लेकिन मुझे तो पता नहीं था, लेकिन तो मैं इसमें जैसे लगवाई उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इसमें नहीं लगाना चाहिए था, नहीं लगवाना चाहिए था इसमें, तो अब लग ही गया है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन लेफ़्ट हैंड में ही दोनों लगवाती तो सही रहता, क्योंकि इससे तो उतना हम लोग काम लेते नहीं है लेफ़्ट हैंड से, तो अगर और कुछ किसी भी काम के लिए जाओ तो सबसे पहले राइट हैंड आगे बढ़ता है, लेफ़्ट हैंड पीछे ही रह जाता है। तो थोड़ा तो तकलीफ़ में है, देखिए 1-2 दिन चलेगा ही है, उसके बाद कल ज़्यादा मैं परेशान थी। अभी देखिए काम वाम करूँगी कैसा रहेगा, अभी तो पता नहीं है, अभी सुबह से मैं झाड़ू लगाई हूँ और चाय पानी पी लिया है, वीडियो एडिट किया है और अब सब्जी मैं काटने के लिए रखी, तो अब मैं सोची कि चलो पहले, और तो 5:30 बजे मैं सोची थी कि मैं वॉकिंग जाऊं, लेकिन इधर थोड़ा डॉगी का ज़्यादा ख़तरा है, और क्या आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना, तो थोड़ा डर लग रहा है, काटने के लिए दौड़ते हैं सबको, तो थोड़ा सा ना मतलब क्या कहूँ, मैं अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा था, मैं सोची कि थोड़ा ये हो जाएगा ना, लाइट आ जाए मतलब, तो सुबह हो जाएगी तब मैं जाऊँगी, अंधेरे में नहीं जाऊँगी। तो अभी मैं आप लोगों से बात करके फिर जाऊंगी वॉकिंग ही, आने के बाद फिर काम करूंगी। तब मैंने सोचा कि चलो तब तक घर का काम कर लेते हैं, और बाबू दोनों भी सो रही है, उसे उठाऊंगी मैं आ करके, और वॉकिंग भी काफ़ी दिनों के बाद मैं आज जा रही हूँ। इधर से तो मौसम ही थोड़ा सही नहीं चल रहा था, तो और इस वजह से नहीं जा रही थी आज के 2-4 दिन से ही मौसम सही था, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रही थी। तो यही रीज़न था कि कल वीडियो अपलोड नहीं हुआ, और
कोई वीडियोस भी शूट नहीं किए, कल कंटिन्यू किए ही नहीं क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। इसी वजह से बाबू का होमवर्क भी आधा ही बना कल, क्योंकि फ़ोन से ही तो सारा काम होता है, तो फ़ोन से ही, अब फ़ोन ही नहीं तो अभी कल कल मतलब आधा ही बना, वो भी कि मैंने स्क्रीनशॉट ले ले करके सबका बनाया था किसी तरह, मतलब क्या बोलते हैं 1% में मैंने होमवर्क बनवाया, तो आधा तो आधा आज अभी बनवाऊँगी आने के बाद। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।